दोस्तों, तारक मेहता शो में शुरू होने जा रही है जेठालाल से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो क्या जेठालाल सच में करने जा रहा है करोड़ों रुपए का घोटाला और बैंकों का पैसा लेके भाग जाएगा? तो दोस्तों, हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखते रहिए दोस्तों ये पूरी वीडियो। और हाँ, अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर प्रेस कर दे और उसके साथ वाली घंटी भी प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो अपकमिंग स्टोरी आने वाली है वो आने वाली है बैंक घोटालों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जो कि नीरव मोदी ने किया था 11,000 करोड़ रुपए का। तो बेसिकली पूरा पुरुष मंडल अब्दुल की शॉप पर इसी बारे में डिस्कशन करने वाला है और ये डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे लोग लोन लेकर अपना देश छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं पैसे लेकर, और उसके बाद गवर्नमेंट उनका कुछ भी नहीं कर पाती। तो बेसिकली उसी पर है ये स्टोरी बेस्ड। तो दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जेठालाल लेता है मल्टीपल बैंक से लोन और अब वो लोन क्यों ले रहा है, ये स्टोरी का सस्पेंस रहेगा। जैसे कि पिछली स्टोरी में सस्पेंस था ना कि सोडी क्या बोलने वाला है रात को 8:30 बजे, उसी तरह इस स्टोरी का ये सस्पेंस रहेगा कि जेठालाल क्यों ले रहा है इतने सारे लोन, क्या जरूरत आन पड़ी आखिर जेठालाल को। जेठालाल जो दूसरों को लोन देता है आखिर उसको क्यों आन पड़ी लोन की जरूरत। तो दोस्तों ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दोस्तों सोडा शॉप पर सारे डिस्कस करेंगे कि कैसे लोग लोन लेकर अपने देश से भाग जाते हैं। और ठीक अगले दिन ही सब देखते हैं कि जेठालाल इतने सारे बैंक लोन्स ले रहा है तो क्या चक्कर है आखिर। तो भिड़े, सोडी, तारक मेहता सारे जेठालाल पर शक करने लग जाएंगे कि कहीं जेठालाल बैंक लोन्स लेकर भागने की तैयारी में तो नहीं है। और यहां तक कि चंपक चाचा को भी शक हो जाएगा कि आखिर जेठालाल इतने सारे लोन ले क्यों रहा है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठता है कि जेठालाल क्या ये सब पैसा लेकर भाग जाएगा, सारे बैंकों से लोन लेके क्या भाग जाएगा। तो दोस्तों हम सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और जेठालाल किसी अच्छे काम के लिए ही वो लोन ले रहा होगा या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ले रहा होगा या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोन ले रहा होगा जैसे कि भागा ले रहा था। तो गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। दोस्तों आप बताओ कि आपको लगता है कि जेठालाल सभी बैंक से लोन लेके भाग जाएगा और सभी गोकुलधाम वालों का शक जेठालाल पर सही जाएगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे है सब्सक्राइब का बटन, उसे जरूर प्रेस कर दे और उसके साथ वाली बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।